स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में, जहां पर बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थियों के लिए 2 गुना का परिणाम जारी किया जा चुका है और सभी अभ्यर्थियों ने अपना अपना रिजल्ट यहां पर देख लिया है। रिजल्ट में कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, तब से इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा पर काफ़ी सवाल खड़े हो चुके हैं। यहाँ पर कई आरोप बोर्ड पर लगाए भी गए हैं और उसी को लेकर आज 1 तारीख को विभिन्न अभ्यर्थियों के द्वारा बोर्ड जाना तय किया गया है। तो वे अभ्यर्थी जो किसी न किसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं या फिर यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने के कारण अगर चिंता में है, तो वे अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय आज पहुँच सकते हैं। समय लगभग 9 से 10 बजे के आसपास है, तो जो अभ्यर्थी पहुँच सकते हैं वो ज़रूर पहुँचें। अगर उनको लगता है कि यहाँ पर इस भर्ती परीक्षा में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, तो वो ज़रूर बोर्ड यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या रिज़ल्ट एक बार फिर से जारी हो सकता है, यानी कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर कि रिज़ल्ट फिर से जारी किया जा सकता है। वही अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे आरोप हैं जिस पर कोर्ट में अगर आप बिना सबूतों के जाओगे तो आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो डिलीट प्रश्न किए गए हैं, लगभग 23 क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हुए हैं, तो क्या बचे हुए 277 क्वेश्चन पर आपका रिज़ल्ट आना चाहिए था या उससे कितना प्रभाव पड़ता है। साथ ही हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनके लगभग कितने नंबर यहाँ पर मिले हैं, साथ ही एक अभ्यर्थी के एवरेज कितने नंबर बढ़े हैं इसके बारे में बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी, जहाँ पर आपने लगभग कट ऑफ देख ली है। अगर रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो फाइनल कट ऑफ आपको लगभग उतनी जाने का अनुमान है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस बार कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई, वैसे अगर देखा जाए तो लोग अभ्यर्थी कह रहे थे कि दोनों ही पेपर के कारण यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि पेपर 2 काफ़ी टफ था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पेपर 1 टफ नहीं था, पेपर 1 एक नॉर्मल पेपर की तरह आया था। तो यहाँ पर पेपर 1 के कारण ही कट ऑफ इतनी हाई गई है। अगर हम बाकी सब चीज़ों को हटा दें कि यहाँ पर कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है या यहाँ पर जो भर्ती हुई है इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई है, तो कट ऑफ हाई जाने का प्रमुख जो कारण रहा है वो है पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 में अभ्यर्थियों के 120-130 क्वेश्चन भी यहाँ पर राइट हैं। और जनरल OBC में हमने कल भी बात की थी कि जनरल OBC मेल कैटेगरी में वही अभ्यर्थी सेलेक्ट हुआ है 2 गुना में, जिसके लगभग कम से कम 110 क्वेश्चन पेपर 1 में राइट है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के काफ़ी ज़्यादा पेपर 1 में क्वेश्चन राइट थे, तो उसका फ़ायदा उन्हें यहाँ पर देखने को मिला और उनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 टफ था, लेकिन वहाँ पर भी 240 नंबर लाए जा सकते थे, यानी कि अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चन, यानी कि एक तरीके से माने तो लगभग 60% तो नंबर वहाँ पर भी लाए जा सकते हैं, 60 से 70% नंबर वहाँ पर भी लाए जा सकते थे। इसलिए जो है कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई है। अब अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर आप अगर बिना सबूतों के जाओगे कोर्ट में या बोर्ड के पास, तो आपकी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी। सबसे पहला आता है कि पेपर बेच दिया गया है। अगर आपके पास इसका कोई भी सबूत है, यानी कि अगर आपके पास इसका कोई भी सबूत है, तो ही आप यहाँ पर कोर्ट या बोर्ड जा सकते हैं। बिना सबूतों के कही गई बातों का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला आता है कि यहाँ पर कई ऐसे अभ्यर्थी भी सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, यानी कि जो एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे, ऐसे भी अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। तो आप मेरी बात मानिए, अगर कोई भी एक अभ्यर्थी सबूत के साथ बोर्ड पहुँच जाता है, तो पूरी भर्ती यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, और उसे कैंसिल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस एक अभ्यर्थी सबूत लेकर पहुँच जाएगी, मुझसे आगे या मुझसे पीछे वाला अभ्यर्थी एग्ज़ाम में नहीं था और उसका रोल नंबर यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि आपको सिर्फ ये चीज़ लेकर बोर्ड पहुँचनी है कि मुझसे आगे इस रोल नंबर वाला अभ्यर्थी वहाँ पर नहीं था, बाकी सारे सबूत बोर्ड के पास है। वहाँ पर आपने देखा होगा एग्ज़ाम के समय आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी पूरी क्लास की, तो वो भी है। साथ ही आपने जब एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम से पहले एक शीट सभी के पास आती है, जिसमें कि सभी को अपने रोल नंबर, अपने साइन, अपना पेपर कोड वगैरह और 2-3 लाइनें भी लिखनी पड़ती है, तो वो भी बोर्ड के पास है। आपको तो सिर्फ ये बताना है कि मुझसे आगे या मुझसे पीछे वाला या मेरी क्लास में इस रोल नंबर वाला अभ्यर्थी एग्ज़ाम में नहीं था और उसका रोल नंबर 2 गुना में शामिल हो गया है। बस एक अभ्यर्थी के जाने की ज़रूरत है, लेकिन वो भी सबूत के साथ, बिना सबूत आप जाएंगे तो आप पे कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास बिल्कुल सटीक सबूत है तो आप अगर जाएंगे तो ये पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, सिर्फ एक अभ्यर्थी के जाने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा।
वैसे हर अभ्यर्थी जानता है, एक अभ्यर्थी ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसके आगे एक अभ्यर्थी है और उसके पीछे एक अभ्यर्थी है, इसके बारे में वो ज़रूर जानकारी रखता है। अगर जानकारी नहीं भी रखता है तो उसे इतना याद रहता है कि एग्ज़ाम के समय उससे आगे एक अभ्यर्थी बैठा था या नहीं बैठा था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने रिज़ल्ट देखा है, उसमें मेरा रोल नंबर है, मुझसे जस्ट जो आगे एक अभ्यर्थी है उसका भी रोल नंबर है, मेरे पीछे सीट खाली है उसका रोल नंबर उसमें नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई अभ्यर्थी जो अनुपस्थित था उसका भी रोल नंबर आया है। अगर ऐसे ही सभी अभ्यर्थी इतना सा ध्यान लगा ले और अगर उसमें कोई पकड़ में आ जाता है कि नहीं मेरे से आगे ये रोल नंबर वाला अभ्यर्थी नहीं था और उसका रोल नंबर एग्ज़ाम जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है इसमें देखने को मिला है तो तुरंत बोर्ड पहुंच सकता है और मान के चलिए अगर उसमें सच्चाई है तो यहाँ पे पूरा पेपर ही कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर यह भी निकल कर आती है कि अगर आप बिना सबूतों के किसी भी आरोप के साथ अगर बोर्ड या कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि सिर्फ एक ही ऐसा माध्यम है जिसके तहत रिज़ल्ट वापस आ सकता है, वो है डिलीट क्वेश्चन को लेकर। ये हर भर्ती में होता है कि कई क्वेश्चन डिलीट होते हैं। बोर्ड के पास भी इसका एक नोटिस है कि लगभग अगर किसी पेपर में 10% से ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं तो उस पूरे पेपर को कैंसिल किया जाता है। ऐसा मैंने भी सुना है और आपने भी ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पर इसीलिए बोर्ड ने पेपर 2 में सिर्फ 14 क्वेश्चन डिलीट किए हैं, क्योंकि अगर 15 या 15 से ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हो जाते तो ये पेपर ही कैंसिल हो जाता, क्योंकि 150 क्वेश्चन आए थे आपके और 10% का मतलब होता है 15 क्वेश्चन। इसीलिए बोर्ड ने यहाँ पर सिर्फ 14 क्वेश्चन ही डिलीट किए हैं और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जो ऑप्शन है वो चेंज होने थे लेकिन उन्हें यहाँ पर डिलीट किया गया है। लगभग हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें गलत तरीके से यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है और उनको लेकर बोर्ड या अभ्यर्थी है वो कोर्ट में जा सकता है और इसका फ़ायदा 100% अभ्यर्थियों को मिलेगा। क्योंकि आपने अगर पुरानी कई भर्तियाँ उठा के देखी है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक एग्ज़ाम हुआ था बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आज से 1.5 साल पहले, उसमें भी सही सेम कंडीशन थी, 40-40% का क्राइटेरिया था, सभी सेम कंडीशन थी, उसमें अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे। एक क्वेश्चन को जो बोर्ड ने गलत तरीके से ऑप्शन चेंज कर दिया था उसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए थे। वो कई जगहों से सबूत लेकर आए थे, जो IIT है वहाँ से भी सबूत लेकर आए, बाकी कई जगहों से उन्होंने सबूत इकट्ठे किए, यानी कि प्रूफ जो डॉक्यूमेंट होते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस प्रकार से गलत किया गया या इस ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इसके लिए वो सबूत लेकर आए थे और उसका ऑप्शन वहाँ पर चेंज किया गया। और लगभग सारी प्रोसेस हो जाने के बाद, यानी कि जो अभ्यर्थी पहले सेलेक्ट हो गए थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, उसके बाद में भी लगभग 550 अभ्यर्थी अतिरिक्त यहाँ पर सेलेक्ट किए गए उस एक क्वेश्चन की वजह से। तो अगर आपके पास जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं या जिनके ऑप्शन चेंज होने थे लेकिन उन्हें डिलीट कर दिया गया है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है जिनको कि यहाँ पर गलत तरीके से डिलीट किया गया है, अगर आपके पास उनका कोई ऑथेंटिक प्रूफ है या आप ला सकते हैं तो आपको कोर्ट ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। और आप मान के चलिए यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी और सेलेक्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है कि डिलीट जो होने वाले प्रश्न हैं जिन्हें गलत तरीके से डिलीट किया गया उनको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में जा सकते हैं और बिना सबूतों के कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आरोप होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं राजस्थान में या कहीं पर भी ऐसी कोई भर्ती परीक्षा नहीं होती जिसमें आरोप ना लगे, लेकिन सभी भर्ती परीक्षाएँ कैंसिल भी नहीं होती है। तो जब तक अगर आपके पास सबूत नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक भी सबूत है तो आप यहाँ पर पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन वो सबूत आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर अभ्यर्थियों के कितने नंबर बढ़े हैं, यानी कि पहले के आंसर की से अभ्यर्थी ने मिलाया था, उसके बाद अभ्यर्थी ने अभी जो आंसर की आई है उससे मिलाया है, उससे कितना प्रभाव आया है, तो लगभग अगर हम बात करें तो एवरेज 20 नंबर के आसपास अभ्यर्थियों का नंबर बढ़े हैं। हो सकता है किसी अभ्यर्थी के नंबर कम हुए हो, इसका प्रमुख कारण यही है कि या तो उसने सारे के 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन उसके डिलीट हुए हैं, ठीक है, यानी कि पेपर में जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो उसके ज़्यादातर सही वाले हैं, तो प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। नहीं तो एवरेज हर अभ्यर्थी के लगभग 15 से लेकर 25 के बीच में, यानी कि एवरेज अगर हम बात करें तो 20 नंबर के आसपास सभी के नंबर बढ़े हैं। ठीक है, अब ये भी चीज़ निकल कर आती है कि अगर सिर्फ 277 प्रश्नों पर ही परिणाम निकाला जाता है, यानी कि जो 23 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनको हटाकर अगर परिणाम निकाला जाता, तो ऐसा हर भर्ती में अभ्यर्थी मांग करते हैं कि जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उन्हें साइड में रख के बचे हुए प्रश्नों पर यहाँ पर आपके रिजल्ट निकाला जाए। तो ऐसा नहीं होता है, बोर्ड उन जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनका वेटेज जो होता है वो सभी क्वेश्चन में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको फ़ायदा या नुकसान देखने को मिलता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मेरे 900 में से अगर नंबर को देखा जाए और बचे हुए 831 में से अगर नंबर को देखा जाए तो मुझे सिर्फ
चार से पाँच नंबर का यह फ़ायदा होता है, लगभग लगभग 0.40 यानी कि आप मान के चलिए तो लगभग लगभग 3.5 नंबर का मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिलता है। बाकी इससे बड़ा फ़ायदा यहाँ देखने को नहीं मिलेगा और ये जो फ़ायदा होगा ये सभी के लिए बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के कुछ ज़्यादा ही नंबर बढ़ जाएंगे। अगर सिर्फ 277 क्वेश्चन को लेकर रिजल्ट निकाला जाए तो आप ये कैलकुलेशन अपना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपका स्कोर कार्ड आज या कल में जारी हो सकता है। जहाँ तक उम्मीद है बोर्ड आज रिज़ल्ट जो आपका स्कोर कार्ड है वो जारी कर सकता है, जिसके बाद आप देख पाएंगे कि आपने क्या स्कोर किया है, आपके कितने नंबर बढ़े हैं और साथ ही कट ऑफ से आपके कितने नंबर ज़्यादा है। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं कि उनका रोल नंबर 2 गुना में आ चुका है लेकिन अभी भी उनको लगता है कि उनके नंबर कितने बढ़े हैं, तो वो स्कोर कार्ड में उनको देखने को मिलेगा। अगर आपके नंबर आपकी कट ऑफ से ये मान के चलिए लगभग 20 से 25 नंबर ज़्यादा, यानी कम से कम 20 नंबर तो अगर ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पर फाइनल में सेलेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपके नंबर कट ऑफ से 30 नंबर से ज़्यादा हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन श्योर है। लेकिन अभी भी देखना होगा कि जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं इनको लेकर अभ्यर्थी किस प्रकार के सबूत लेकर पहुँचते हैं, ताकि यहाँ पर अगर उन क्वेश्चन से कुछ प्रभाव पड़ेगा तो वो सभी अभ्यर्थियों पर पड़ने वाला है। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है लेकिन अब उसको वापस पेपर में लाकर उसका ऑप्शन चेंज किया रहता है तो काफ़ी अभ्यर्थियों का यह फ़ायदा और काफ़ी वो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन गलत तरीके से बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, जो क्वेश्चन सही होना चाहिए था, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि जो पहले आंसर की आई थी उसमें किसी और ऑप्शन को सही माना गया लेकिन अभ्यर्थियों ने किसी और ऑप्शन को लेकर ऑब्जेक्शन लगाया था, अब उसे डिलीट कर दिया गया है, तो उसका चेंज होना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। मेरे भी ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन हैं जिनको कि यहाँ पर डिलीट किया गया है लेकिन उनका ऑब्जेक्शन मैंने लगाया था और वो वहाँ पर चेंज होने चाहिए थे। तो ऐसे क्वेश्चन को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में जा सकता है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने सारी बातें की है, क्योंकि अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है, अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा गुमराह किया जाता है कि इस प्रकार यहाँ पर ये चीज़ हुई होगी, लेकिन बिना सबूतों के कुछ भी कहना मुश्किल है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि आपके क्या फ़ायदे में हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है और उस क्वेश्चन का आपके पास सही सबूत है तो आपको ज़रूर जाना है। और अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो भर्ती या हम अगर बात करें एग्ज़ाम को कैंसिल करवा सकता है तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर एक भी अभ्यर्थी यहाँ पर फर्जी पकड़ में आ जाता है तो फिर पूरी एग्ज़ाम की जाँच होनी चाहिए कि पूरा एग्ज़ाम किस प्रकार यहाँ पर गलत तरीके से हुआ है। और उसके बाद जो है एग्ज़ाम कैंसिल होकर दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए अगर आपके पास पुख्ता सबूत है। बाकी आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा और साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने भी खुला चैलेंज दिया है कि अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है तो आप SOG को टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही बोर्ड की जो मेल ID है उस पर भी आप यहाँ पर अपना जो भी आरोप है उसे बता सकते हैं। अगर उसमें सच्चाई होगी तो बोर्ड यहाँ पर पेपर कैंसिल ज़रूर करेगा और वापस से एग्ज़ाम करवाया जाएगा, लेकिन सबूत होने ज़रूरी है। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।